कल्पना सोरेन गांडे विधानसभा उपचुनाव 2024 जीत गई। उन्होंने बीजेपी के दिलीप वर्मा को 24,483 वोटों से हराया। कल्पना सोरेन को 1,08,975 वोट मिले, जबकि दिलीप वर्मा को 82,492 वोट मिले थे। गांडे विधानसभा उपचुनाव पर सभी की निगाहें टिकी थी। यह सीट हॉट सीटों में शुमार थी, क्योंकि इस सीट से पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन अपनी राजनीति पारी की शुरुआत कर रही थी। स्वयं कल्पना सोरेन ने भी इस सीट पर जीत को लेकर जमकर पसीना बहाया। लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा होने के बाद से ही कल्पना सोरेन ने जमकर चुनाव प्रचार किया था। इनके अलावा झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से लेकर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत कई मंत्री चुनावी प्रचार में लगे थे। खुद कल्पना सोरेन ने भी चुनावी कमान संभाली थी और लगातार जनता के बीच जाकर प्रचार प्रसार किया था। इस सीट पर इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी कल्पना सोरेन और भाजपा की ओर से दिलीप वर्मा के बीच मुकाबला था। आखिरकार कल्पना सोरेन ने बीजेपी को मात देकर जीत हासिल कर ली। मतगणना का कार्य शुरू होने के बाद पहले दूसरे राउंड में भाजपा के प्रत्याशी दिलीप वर्मा बढ़त बनाए हुए थे। कुछ देर के बाद कल्पना सोरेन ने बढ़त बनानी शुरू कर दी। गांडे विधानसभा उपचुनाव के 7वें राउंड का रिजल्ट जारी किया गया। इसमें भाजपा प्रत्याशी दिलीप वर्मा को 26,116 और कल्पना सोरेन को 30,759 मत मिले। वहीं 7वें राउंड में कल्पना सोरेन 4,643 वोट से आगे चल रही थी। 19वें राउंड तक वोटों की गिनती हो चुकी थी। इसमें कल्पना सोरेन 19 वोटों से आगे चल रही थी। 20वें राउंड में 22,188 वोटों से कल्पना सोरेन आगे चल रही थी। इसमें कल्पना सोरेन को 91,788 वोट, जबकि दिलीप वर्मा को 69,600 वोट मिले थे। इस तरह कुल 24 राउंड में वोटों की गिनती हुई। इसमें कल्पना सोरेन ने जीत का परचम लहराया। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।